भाजपा सरकार के खिलाफ जदयू ने चलाई पोल खोल अभियान, इसके तहत निकाला गया मिसाल जुलूस। बायसी प्रखंड के जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचा धामर मास्टर मुजाहिद आलम के आह्वान पर जदयू के बायसी विधानसभा प्रभारी राजकुमार गुप्ता, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष शाहिद रजा, प्रखंड अध्यक्ष अखिलुर रहमान सहित दर्जनों जदयू कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में WSY ब्रिक्स जदयू कार्यालय से पश्चिम चौक बायसी बाजार NH 31 सड़क होते हुए बायसी पूरब चौक तक भाजपा नरेंद्र मोदी तथा अमित शाह के विरुद्ध में नारा लगाते हुए मशाल जुलूस निकाला। इस मौके पर पहुंचे मास्टर मुजाहिद आलम ने बताया कि जाति आधारित जनगणना रोकने की साजिश रचने वाली भाजपा सरकार के खिलाफ जदयू के द्वारा 1 सितंबर से 20 सितंबर तक खोल खोल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज किशनगंज लोकसभा के कई स्थानों पर मशाल जुलूस निकालकर नरेंद्र मोदी को आगामी चुनाव में हराकर नीतीश कुमार को भारत का प्रधानमंत्री बनाने हेतु तैयारी की जा रही है। वहीं इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष शाहिद रजा ने बताया कि जदयू के साथ साथ महागठबंधन के अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता भी इस मशाल जुलूस में भाग लिया। वहीं बायसी विधानसभा प्रभारी राजकुमार गुप्ता ने बताया कि मोदी सरकार विकास विरोधी सरकार, बेरोजगारी पैदा कर रही है, इसे भारत से उखाड़ फेंकना है। की सहकारी सरकार को केंद्र से उखाड़ कर फेंकना हमारी प्रतिबद्धता है और हम लोग इसको उखाड़ कर फेंकेंगे। ये यहाँ ये चिंगारी जो लगी है, बिल्कुल ये चिंगारी जल के राख होगी और आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जीतकर बिल्कुल दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी लाल किला में झंडा फहराएंगे। आज जो हमारा कहना, आज जो आप लोग शामिल हुए यहाँ, सिर्फ जदयू कार्यकर्ता भी हैं, महागठबंधन के लोग भी हैं, अपना हर हर पार्टी का अपना अपनी विचारधारा है। इंडिया गठबंधन 28 दलों का गठबंधन है और इस गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल बहुत सारे आरजेडी के भी कार्यकर्ता हैं और भी पार्टी के कार्यकर्ता। अपना परिचय दीजिए। जदयू के सिपाही हैं, नीतीश कुमार के सिपाही हैं। मेरा नाम शाहिद रजा है, जिला अध्यक्ष जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ पूर्णिया। तानाशाही सरकार जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को जिस तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़, इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों जातीय आधारित जनगणना को जिस तरह से प्रोक्ष अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चाहे माननीय उच्च न्यायालय पटना हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली हो, रोकने का काम किया, उसका पर्दाफाश के लिए पूरे बिहार में 1 सितंबर से 20 सितंबर तक पोल खोल मशाल जुलूस अभियान जनता दल यूनाइटेड परिवार द्वारा चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज किशनगंज लोकसभा के पोठिया प्रखंड मुख्यालय में और बायसी विधानसभा जो किशनगंज लोकसभा का ही एक अंग है, बायसी प्रखंड मुख्यालय या अनुमंडल मुख्यालय बोलिए, जो हमारे पार्टी पदाधिकारी हैं शाहिद रजा साहब, शकीलुर रहमान साहब, खुर्शीद साहब, गुलाम नूरानी साहब और सभी साथियों ने पूरी मजबूती के साथ बहुत ही कामयाब यहां पर मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। मैं और हमारे जो संगठन के बहुत ही ऊर्जावान साथी हैं, प्रभारी हैं बायसी विधानसभा के, जनता दल यूनाइटेड के राजकुमार जी भी थे, मुझे आने में यहाँ थोड़ी देर हुई, मैं पोठिया के कार्यक्रम में था। मैं सभी अपने पार्टी के समर्थित साथियों का, पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का, आम जनता का जो है आभार व्यक्त करने के लिए और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रिया अदा करने के लिए आया। जी बिल्कुल, आज का जो मशाल जुलूस था बिल्कुल सक्सेस रहा और आप लोग खुद देखे, आप लोग कवरेज भी किए, आप लोगों को खुद पता लग गया होगा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोगों में कितना गुस्सा है और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन इस बार केंद्र में सरकार बनाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी लाल किला पे झंडा फहराएंगे। अपना परिचय। भैया, हम किसानों की समस्या का एक ही इलाज
जहानवी सीड्स के 34-55 मक्के के बीज। इससे बुरी पैदावार की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। इसके मक्के बड़े बड़े एवं एक समान होते हैं। इसके दाने भी वजनदार होते हैं। इसमें प्रति एकड़ ज्यादा पौधे समायोजित करने की क्षमता है और जितनी भी तेज हवा हो ये गिरता नहीं है। साथ ही साथ ये सभी बुआई के दिनों में अच्छी उपज देते हैं। अब मैं भी जाह्नवी सीड्स के 34-55 मक्के के बीज ही लगाऊंगा और खुशहाल जीवन बिताऊंगा।